अब हो गया, चलो भाई मेरी फट रही है, चल आवाजें आ रही है मेरी फट रही है, चल जल्दी आवाजें आ रही है भाई, सही में आवाज आ रही है मेरी फट रही है, बहुत बुरी वाली हो गई, ऐसा फील हो रहा है भाई, हट जाओ चलो अभी जाओ, बहुत देख लिया चलो। अभी और अंकल के सामने आ रहे हैं, मैं देख के ऐसा लगा मेरे को भाई सामने कोई खड़ा है, मालूम पड़ा वो अंकल इनके अंदर आ रहे हैं, मेरे को फट गया। शाम खान एडमिन, और आज मैं भोपाल में मध्य प्रदेश में घूम रहा हूँ जैसे कि आप लोगों को पता है, तो आज मैं जा रहा हूँ इस्लामनगर जहाँ पे बंगलो है, जो पंद्रह से आपको दिखाऊंगा इंटीरियर वगैरह जितना हो सके, अगर शूट अलाउड हो तो, कंफर्म नहीं है शूट अलाउड है कि नहीं। और अभी हम लोग कहाँ पहुंचे वैसे, सेंट डिसेस गवर्नमेंट स्कूल के पास है अपन, गवर्नमेंट स्कूल बहुत बड़ी स्कूल है एक हिसाब से, मैं देख रहा हूँ भोपाल में इस साइड है, लेकिन गाँव साइड है, लेकिन बहुत माशाल्लाह बहुत सीनरी एक नंबर है, सीनरी में दिखा दूं तो ये देखो, ये सीनरी पीछे का फुल गांव का फील आ रहा है एक नंबर वाला। सो चलते हैं अभी वाई वे पे, मैंने सोचा चलो मैं इंट्रो दे दूं और बता दूं लोगों को मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, तो चलते हैं मिलते हैं। पहुंच गया हूँ इस्लामनगर और ये पीछे देख सकते हो गेट है, और मैंने सुना है हॉन्टेड प्लेस है, तो देखने ब्लॉग मजा आएगी, आप लोग जरूर देखना हॉन्टेड प्लेस है, तो मैं बोलता हूँ थोड़ा स्कैरी लगेगा लेकिन देखना मजा आएगी। पीछे इस्लामनगर का गेट लिखा हुआ इस्लामनगर और ये गेट है, अभी गेट में एंटर हो गया और गर्मी फटे तो इसकी वजह से ऐसा घूमना पड़ रहा है मेरे को गुंडा बन के, तो चलते और देखते हैं अभी इंशाल्लाह अंदर का सीन, आपको बहुत मजा आएगी ये ब्लॉग देखने के लिए मुझे इतना श्योर हूँ मैं, तो चलते हैं मिलते हैं ब्लॉग में, चलो। अंदर रूम में आ गया मैं और देखो देख सकते हो आप एकदम डरावना पूरा इंटीरियर वगैरह सब, तब आवाज गूंज रही है मेरी और आपको भी आवाज वैसे गूंजते हुए सुनाई देगी, महल बोले तो इसको बोलते हैं यार, महल क्या थे इनके, एक तरफ के कितने बड़े बड़े कोठियां हैं ये देख सकते हो, ये भी एक एकदम, फिर अंदर एक दरवाजा, अंदर एक दरवाजा है, ये शायद मस्जिद बनाया होगा, कोई मस्जिद टाइप भी दिख रही है नमाज पढ़ने ऐसा, तो फिर एक सेकंड दरवाजा इधर, ये भी पैक है पूरा, नो एंट्री है, मतलब समझ रहे हो, इससे समझ में आता है कितनी हॉन्टेड प्लेस है ये, कौन सा, हाँ ये भी दरवाजा बंद है भाई, मत जाया बंद है, बंद है यार हड्डिया से, दरवाजा भी बंद है और वो भी कितने दरवाजे, जैसे देख सकते हो कितने दरवाजे, लेकिन व्यू बहुत एक नंबर व्यू लग रही है कसम से, एक नंबर व्यू देखो, टाइट एकदम टाइट हो रही है, तो इधर भी दरवाजा और जगह दरवाजा है, और देखो फिर उधर सामने दरवाजा, इतने मतलब इतने दरवाजे हैं भाई, इनके घर कितने होंगे, और मेरा भाई जो साथ में आया है वो बता रहा है लाइक जो रानी का सिंगार होता है उसका एक मिरर भी उधर रखा हुआ है, तो वो मिरर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, मेरी तो ऐसे में पैक हो रही है उधर की, आएगा क्या हाल होगा क्या मालूम मेरे को, तो तुम लोग देखो वीडियो तो देखो, मैं तो वीडियो जितनी बनाने की कोशिश करूँ तो खास तुम लोग के लिए, इसको रानी महल और चमन महल के नाम से नाम दिया गया, ये 1972 में बना था, 1720 में बना था ये, तो मोहम्मद स्कूल क्या तो नाम था ना, मोहम्मद खान ने बना के दिया था उसकी क्वीन को, तो देखो ये मस्जिद लग रही है मेरे को तो एक हिसाब से, और भाई लोग तो सेल्फी ले रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैं ये दिखा दूँ तुम लोगों को, ये शायद से गार्डन होगा, गार्डन होगा वो, देखो तो ये गार्डन है, ये गार्डन एरिया है पूरा, और अभी आगे जाना है, और सारे में आगे गया है अपना भी, अभी बहुत कुछ है भाई बता रहे, अभी जगह भाई हम नहीं जाएंगे, कुछ कुछ ऐसी जगह जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है ना, हमें जाना अलाउड है, डर लग रहा है मेरे को, देख के डर लग रहा है,
इसलिए ऐसा ना हो कि जिस चीज को वहां जाना पसंद ना हो अगर हम चले जाए तो कुछ प्रॉब्लम हो जाए। जहां दिल करे वहीं जाएंगे, जहां नहीं वहां नहीं जाएंगे। जहाँ ऐसा लगे वहाँ अलाउड है वहाँ जाएंगे, क्योंकि मेरी तो फुल फटरी है, कोई भी नहीं है सिर्फ हम लोग तीन के सिवा अंदर। क्योंकि ये प्लेस जो है इसको हॉन्टेड प्लेस बोला जाती है, तो हम लोग तो हॉन्टेड प्लेस में एंटर हुआ है खास तुम लोग के लिए। आ जाओ इधर, आ जाओ, ये दिखा देंगे। तो ये दिखा दूंगा, ये गार्डन एरिया, ये छोटा गार्डन एरिया बताया हुआ था। ये देखो, देखो ये दरवाजा भी बंद, फिर ये पीछे का दरवाजा भी बंद, सब दरवाजे बंद रखे हुए। कुछ तो सीन है, अपन को सीन नहीं मालूम है, फिर भी अपन अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो मेरा भाई है जो वो ट्राई कर रहा था, भाई दरवाजा खोलो, क्या वाला भाई मत खोल, कुछ भी मत कर, अपन को जैसा आना अच्छे से है अच्छे से जाएंगे, कुछ ज्यादा करना नहीं है। हमें व्यू देख के निकलना है अपन को, तो हम लोग आगे देखने जा रहे हैं अभी। और सीनरी जो है, जो घर है, क्या है वो जो पीछे, वो जो मैंने पीछे दिखाया था, ये दिखाया था मैंने पीछे, ये मैंने पीछे दिखाया था मस्जिद का एरिया, फिर मैं उसके सामने फ्रंट पे आया हूँ, तो इधर भी मस्जिद बनी हुई है शायद से, तो ये भी मस्जिद एरिया। हाँ आई थिंक सो, इन लोग मस्जिद ही हंसते भाई, ये मस्जिद ही बना था। पीछे देख रहे हो मेरे, ये रहा पीछे, पीछे है जो ये पैलेस बना हुआ है शायद से, ये पैलेस है। और इनका ये तो लाइक ये तो खाली बैठने का हॉल होता था वो टाइम पे। आज सोचो, आज तो इतनी जगह भी नहीं है अपने मुंबई में बैठने, और झाड़ पे बंदर बैठे हुए मजबूत, कैरी का झाड़ है, आवाज भी कर रहे हैं। और देखो ये दिख रहे जीने पीछे, जीने भोपाली लैंग्वेज में जीने बोलते हैं, अपने मुंबई की लैंग्वेज में सीढ़ी, सीढ़ियां। तो ये पीछे सीढ़ियां देख रहे होंगे आप लोग, ये चंडे की सीढ़ियां कितनी खूबसूरत है। और ये मतलब पटौटी खानदान के टाइम के, मतलब वो टाइम पे जब सैफ अली खान के घर पे जब हो गए। चलो भाई मेरी फट रही है, चलो आवाजें आ रही है मेरी फट रही है, चल जल्दी, आवाजें आ रही है सही में, आवाज आ रही है मेरी फट रही है, बहुत बुरी वाली होगी, ऐसा फील हो रहा है भाई, हट जाओ, चलो अभी जाओ, बहुत देख लिया, चलो अभी और अंकल आगे सामने आ गए। मैं देख के ऐसा लगा मेरे को भाई सामने कोई खड़ा है, मालूम पड़ा वो अंकल आंटी अंदर आ रहे, मेरी तो फटके पूरी फटके बोला। ये मैं दो सेकंड के लिए शॉक हो गया भाई, ये क्या सीन हो गया मेरे साथ में भाई, बहुत ऐसी जगह है बता रहा हूँ। देखो कितना दिख रहा है आपको, मैं बाहर एंटर हुआ अभी और वापिस गेट के बाहर जा रहा हूँ, सेकेंड जगह जाना है अपन को, तो वहाँ जा रहे हैं अपन, बहुत कैरी है यार कसम से। महल तो बहुत बड़ा है, महल बड़ा है, महल बड़ा है, लेकिन सीन ये है महल तो बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पे किसी को अलाउ नहीं होता, उनको भी अच्छा ही लगता है वो जो चीजें होती है, तो उस वजह से समझ सकते हो ना अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो उसके हिसाब से अभी महल के दूसरे जा रहे हैं, महल के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं अपन, और ये इंटरेस्टिंग चीज है जो भाई बता रहे हैं, हम देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। ये पिकनिक स्पॉट है भाई बता रहे, तो अभी देखते हैं पिकनिक स्पॉट कैसा है। लाइक ये भी देख रहे हो आप, ये भी थोड़ा स्कैरी है, स्कैरी स्कैरी आएंगे तो सवाल क्या ना, अकेला मत आना, अकेला आएंगे तो लग जाएंगे तुम्हारे, हंसते हंसते लग जाएंगे रस्ते को ऐसा है। चलो मैं पानी पीता हूँ, बहुत बोल दिया मैंने, पानी की प्यास लग रही है भाई। अब शाम के 5 बजे बंद हो जाता है, उसके पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करना, कोई कोने में अटक मत जाना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना बड़ा महल है, 5 बजे से पहले निकलना है आपको, वरना अगर आप नहीं निकलोगे तो समझ जाना भाई टाटा भाई भाई अल्लाह हाफिज है। बुलबुल बोला, ये पिक्चर देखिए ना बुलबुल, वो छन 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 आमी जे तो हो जाएगा। तो ये ये भी गार्डन एरिया है, मतलब इतना माशाल्लाह इतना बड़ा महल है यार, सोचो कितना बड़ा महल है। अभी तो मैं फर्स्ट फेज से सेकंड फेज पे आया हूँ, सेकंड फेज पे अभी देखो इधर क्या लिखा हुआ है, चमन महल, चमन महल लिखा हुआ है, इधर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, और इधर लिखा है कृपया चमन महल उद्यान में खाना पीना की वस्तुएं देरी चादर। अरे मैं पढ़ता हूँ, कृपया चमन महल उद्यान में खान पान की वस्तुएं दूरी चादर दरी चादर इत्यादि ना ले जाके सख्त मना है। जो वे क्या मालूम है क्या लिखा है भाई हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में क्या लिखा है क्या मालूम, लेकिन हम लोग तो अभी चमन महल के सेकंड फेज पे और अभी अंदर एंटर करेंगे। लेकिन देखो अंदर एंटर देखो यार, देख रहे हो
ऐसा लग रहा है वो फना की शूटिंग देखा होगा ना किसी ने, फना कैसा लगेगा भाई, फना की शूटिंग चालू है वही सेम लग रहा है। चांद से फारिश जो करते हैं हमारी, ये रहा वो, मेरे हिसाब से वही लग रहा है मेरे को तो, लेकिन वो नहीं है। और देख रहे हो ये पुराने घर है भाई, वो टाइम के जब ब्रिटिश से भी पहले के रूल के, तो सोचो क्या होगा जब वो टाइम पे बहुत बड़े बड़े लोग थे। चलो अंदर दिखाता हूँ मैं अभी, चलो अंदर अंदर चलेंगे। बहुत सारी फोटोज लगी हुई है, पहले फोटोज लगी हुई थी ऐसा बोल रहे सारी, पहले आए मैडम तो आप इधर वॉल पे, मतलब राजा महाराज हो लोग के, सबसे नवाबों के भोपाल में, ये सरदार दोस्त मोहम्मद खान जिसने सबसे पहले बनाया है, ये बनाया है। मतलब ये महल मैं राज कर चुकी हूँ, मैं जूम करके दिखाता हूँ बैक कैमरे से, एक मिनट में जूम करता हूँ। नेम फर्स्ट है सरदार दोस्त मोहम्मद खान 1708 to 1726, सेकंड है नवाब यार मोहम्मद खान 1726 to 1742, नवाब फैज मोहम्मद खान 1742 to 1717, नवाब हयात मोहम्मद खान 1770-1780, मोहम्मद गौस। जैसे कि आप देख सकते हो ये सब जो थे नवाब, ये सब नवाब थे। भोपाल की रियासत है भाई, भोपाल की रियासत इन लोगों ने संभाली है, इतने साल पीरियड लिखा हुआ वहाँ पर, ये तो ये पीरियड लिखा हुआ है, मतलब लास्ट 1949 तक के इन लोगों ने संभाला, इनका रूल था बस, उसके बाद में संभाल नहीं पाए, अपनी गवर्नमेंट संभाल रही है अभी। ये है नवाब ऑफ दी भोपाल रियासत, मतलब पूरे नवाबों ने, ये नवाबों ने रियासत संभाली थी। देखो गया थर्ड फेज पे, थर्ड फेज पे आए हैं हम लोग अभी, और ये सीढ़ी उतर रहा है, और आपको मैंने बता दो नहीं भोपाल की लैंग्वेज में जीने, तो चलो मैं भोपाल आया तो भोपाल की बातों करेंगे, तो जीने से उतर के और अब मैं आया हूँ मेन महल के पास। फव्वारा चालू हुआ है अभी, पानी भरेगा इसके अंदर शायद से, पानी टाइम भरेगा। ये मतलब ये पीछे महल यार, कसम से अगर मुंबई में ये जगह होती ना तो एक नंबर लगता, थोड़ा टूरिस्ट और अट्रैक्ट होते मुंबई में, लेकिन ये तो बोलते हैं ना नवाबों का शहर है, तो भाई नवाब जैसे तो कहाँ मिलेगा नहीं, तो ये नवाब का बना हुआ है। तो ये देखो पीछे देख रहे हो मेरे, पूरा नवाबों का महल, पहले भाई सामने देख रहे, सामने शायद से ना राजा महाराजा लोग बैठते थे, सभा बैठती होगी पहले, हाँ ये सभा बैठती होगी, मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये शायद एंटर होगा इधर से, लोग जो परेशान होके आते होंगे, जिनके पास कुछ हो रहेगा कुछ काम वेम के लिए, तो उन लोग आते होंगे, और ये इधर से चलते हुए जाते हुए उन लोग उधर जाते होंगे राजा महाराजा के पास बैठने के लिए। तो दिख रहा है उधर तक बना हुआ है सामने, वो जो फेंसिंग लगी हुई टाइप, उधर लोग बैठते होंगे, तो उधर जाके लोग उनसे बताते होंगे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, क्या ऐसी ऐसी है, आपको कुछ करना है, तो ये सब चीज है। माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह यार, चलो मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको। आपको पब्लिक, मैंने बोला था देखो ये तख्त है, मैं ऊपर आया तो अभी देख रहा हूँ मैं, तो पूरा तख्त बना हुआ है, और ये तो फवारे फवारे हैं, ये तो फवारे लग रहे हैं, अब क्या पता इसके नीचे क्या होगा, गॉड अल्लाह नोस क्या है क्या नहीं, अल्लाह को पता है, जो बनाया है उसको पता है, उनको बता रहेगा। वो अकबर कौन सी पिक्चर है वो जिसमे ऋतिक रोशन है, जोधा अकबर टाइप, लाइक इधर तो तख्त बना हुआ है, उधर सामने गेट, तो उधर से लोग आते रहेंगे, इधर बोलते रहेंगे कि ऐसी ऐसी हमारी प्रॉब्लम है, फिर सॉल्व होता है, मतलब पब्लिक खड़ी होती होगी, लाइक पूरा फिल्म टाइप। अब अभी आपको मैंने बैक साइड का मतलब दिखाया है रूम का, थोड़ा अंदर से बताया उन्होंने, और वो अंकल बता रहे ना ये जो दिख रही है आपको ऊपर, ये मतलब तलवार घुसी हुई है अंदर, पहले की तलवार है, ये दिख रही तलवार है, ये तो मतलब वो टाइम का अंदर डाली होगी उनने, उनके कुछ रहेगा तो निकाल भी नहीं सकते अपन, उसको सेम रहेगा हमें। और ये दिख रहा है ये हमाम का दरवाजा है, मतलब ये सिंगार, मतलब हमाम करके लाइक वॉशरूम से आके बात वगैरह करके वो आते थे इधर सिंगार करने, सिंगार मीन्स मेकअप वगैरह जो उनका है सजना सवारना, तो देख सकते हैं आपको भाई हमाम तो बहुत बड़ा लग रहा है महल के अंदर, जो बाथरूम इतना बड़ा है, बाथरूम इतना बड़ा है देखो यार अंदर जाने का, ये हमाम है
सोचो हमाम इतना बड़ा है तो भाई महल बहुत बड़ा है दो टाइम की जिंदगी होगी। हाँ सबसे बेस्ट पार्ट इधर से सीनरी दिखती होगी पीछे से बैठ के। अब मैं दिखाता हूँ इधर आऊंगा, देखो ये रूम भी बंद है, ये रूम भी बंद है, दोनों रूम बंद है। और इंटीरियर देख लो ऊपर का। अब ये पीछे अपन जाएंगे संगमरमर ऐसा बना हुआ लाइक बैठक, तो पीछे से लाइक बैठ के सीनरी देखते होंगे हम लोग। ये ऊपर में चाहो ये व्यू देखो, ये गैलरी है इनकी, ये इनकी गैलरी होगी पहले की। व्यू देखो पीछे, ये इनकी गैलरी होगी जो वो टाइम पे 1972 या समथिंग 77 में। तो ये देख रहे हो मैं तो फट रही हूँ पूरी पीछे गिरने बंदे की। साइड का वो एक गैलरी और ये एक गैलरी जिसपे मैं खड़ा हुआ, वो वाला दरवाजा तो बंद ही रखा हुआ, वो वाला दरवाजा बंद रखा हुआ गैलरी का माने में। और ये पीछे देख सकते हो ऊपर देखो मैंने ये रहा, और मैं ये साइड पे भी जाके दिखाता हूँ। तो ये इतना इतनी बड़ी गैलरी है जैसे कि आप पीछे बैक साइड पे देख सकते हो, पूरा इधर आएगा। ये इतना बड़ा अपार्टमेंट बनाया उसने पूरा, इतना बड़ा लाइक जो है इतना बड़ा लाइक पूरा गैलरी है इधर से लेके उधर तक जहाँ मैं खड़ा हूँ, और वो दोनों लाइक गैलरी है। तो ये ऊपर से चढ़ के जो अंदर से घुसना है, उसके बाद मैं घुसने के बाद ये सामने गैलरी पार्ट है। सीनरी ऐसी दिखती है और सीनरी में दिखा दो बैक कैमरा ऑन करके, एक मिनट में बैक कैमरा ऑन करता हूँ। जो मैंने वो साइड पे खड़े रहकर आपको दिखाया था बड़ी गैलरी, तो बड़ी गैलरी के अंदर मैं एंटर करता हूँ। देखो तीन दरवाजे दिए हुए, तो मैं बीच वाले दरवाजे से निकलता हूँ क्योंकि खुले में यह आसान है। ये रहा यार क्या शानदार है यार, एकदम शानदार है। भाई मेरे पास अपना होता है, क्या कर रहा है भाई, सुसाइड आ जाएगा भाई तेरे नाम पे। अरे ये तो लेक है यार। हाँ ये लेक होगा, ये गटर है, गटर बना दिया इन लोगों ने, गटर वो टाइम पे लेक होगा शायद और आगे तक रहेगा ये, क्योंकि देख ना महल के अंदर इन लोग अभी भी बाउंड्री रखते थे। तो देख रहे हैं गटर बना दिया अभी भोपाल लोग ने, लेकिन नवाब के टाइम पे शायद लेक होगा। ये बैक साइड है, पीछे ये बैक साइड है जो मैंने आपको दिखाया पीछे बैक बड़ी गैलरी। दुश्मन वगैरह आते होंगे तो यहाँ से आते होंगे। अभी खेती वेती हो गई है, पहले तो पूरा प्लेन सपाट रहेगा पूरा। आम का झाड़ तो ये देखो बड़ी गैलरी, पेड़ कितना बड़ा है। देखो पुराना होगा, कितने बात करता होगा वो शायद पहले का। तो ये देखो ये ऊपर का गुम्बद टाइप, और क्या लिखा हुआ है वही सेम लिखा हुआ है। यहाँ से आप नवाब यार मोहम्मद खान एवं नवाब हयात मोहम्मद खान के मकबरों का एक अवलोकन कर सकते। कहाँ पर है मकबरा भाई? यहाँ से अच्छा वहाँ होगा शायद, वो दिख रहा है वो चीज उनका मतलब कबर वहाँ पर है। अच्छा मकबरा वो देखो वो बना हुआ है, ये देखो मैंने जूम कर लिया, तो ये मकबरा बना हुआ है। लेकिन उधर जाएंगे तो जाएंगे हम, सोचो इतना बड़ा महल विरासत होने के बावजूद भी जाके इंसान को एक जगह पे ही रहना पड़ता है मरने के बाद। मरने के बाद कोई नहीं है, इतना बड़ा महल हो के भी वो इतना सी जगह पे है अभी जाके बोलो, ये होती है भाई। इसलिए इतना पीछे मत पड़ो महल 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 करके, महल भी एक बार छोड़ के इंसान चाहता है तो सिर्फ इतने सी कमर में रॉक्स क्यों लिखना है यहाँ पे, टॉक्स लिखो एडवर्टाइज करो हमारा मियां बटॉक्स। तो ये रहा मैं ये भी एक गैलरी, फिर वो उधर में वो गैलरी से पहले खड़े के इधर आया था, फिर ये सीनरी पूरा निकाल लेंगे अपनी उसको भाई, वो टूरिस्ट प्लेस बन जाएगी फिर एकदम खास। ये सब मॉन्यूमेंट्स पे नाम मत लिखा करो, क्योंकि देखो यही सब चीजें जो हमारे इंडिया की शान बढ़ाती है, जैसे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर नाम मत लिखा करो। मैं तो सोचा था मैं यहाँ बैठा उसको लिख दूँ, लेकिन नहीं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भाई मॉन्यूमेंट्स और इतनी पुरानी चीज है तो हमको संभाल के रखना चाहिए। हम रिस्पेक्टेड इंडियन है, हमको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए इंडिया की।
एक इंटरेस्टिंग जगह मिली है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये जेल है, छोटा जेल है एकदम। आपको पता होगा जब रानी महाराजा लोग के टाइम पे बहुत छोटे छोटे जेल बनाते थे, मतलब एकदम कैदी को एकदम बदतर रखते थे, एकदम छुपा के। देखो ये नीचे बनाया, मतलब मेरे में देखो वो झुकना पड़ रहा है दिखाने के लिए। तो देख रहे हो आप, देखो ये जेल है और अभी तो उसके ऊपर लोखंड लगा हुआ है। और इधर नहीं जेल नहीं आई थिंक, ये कुछ खुफिया रास्ता है भाई, अंदर सीढ़ी है ऊपर जाने का, ये खुफिया रास्ता है। बंद है यार ये, इधर भी आना मना है, पीछे इधर भी मना है, ये भी हॉन्टेड है भाई, मेरे देख के फट रही है। और पीछे वो सीढ़ी अंदर से ऊपर से अंदर से सीढ़ी चढ़ने के लिए। और यहाँ पर तो बंद कर दिया दीवार बना कर, मैं अंदर मोबाइल डाल के दिखाता हूँ, रुको भाई। सारी फोन का शूट दिखाया, मेरी तो फट रही है अंदर, फोन डालने लगे हम लोग अंदर, फोन डाला था मैंने, फोन भी गिर गया अंदर। और ये रहा देखो, ये बच्चे को लेके आ गई आंख पे, इससे बड़ा वाला, इससे बड़ा हुआ खुद के हम लोग उधर गया। मेरे को लगा भाई कोई इंसान गया उधर से, तो मेरी और फट गई। और उन्होंने बोला सारिम जल्दी जल्दी बना, तो फोन गिर गया, जैसे कि आपने देखा वीडियो में फोन गिरते हुए आप लोगों ने देखा, फोन ऐसा गिरा फट गई मेरी। तो भाई बना रहा था वीडियो, उसके बाद मैं अंदर, हमने बोला जल्दी जल्दी चल, ऐसा कुछ लगा कोई निकल रहा है। और सच्ची में ऐसा बंदर गया ऊपर से, लगा कोई इंसान गया भाई, मेरी तो फटके पूरी चार हो गई और फोन अंदर गिर गया, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा। हथेली जान यहाँ पर आ गई, यहाँ पे ऐसा लग रहा है भाई कोई आ गया। और ऐसा हुआ फोन ही गिर गया सीधा, आपने वीडियो में देखा फोन गिरते हुए। मेरे को तो बहुत फट रही है भाई कसम से। चलो भाई हो गया ब्लॉग, सो चलते हैं पब्लिक मिलते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया 5 बजे तक ही यहाँ पे अलाउड है, उसके बाद जो फंस गया वो फंस गया। और 4 ही बज रहे हैं, तो हम लोग निकलते हैं अभी। और हम लोग निकलेंगे अभी बेरसिया, तो उधर बेरसिया का भी ब्लॉग बनाने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं। तो चलते हैं, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग योर लव टू मियाबाय टॉक्स। योर एडमिन हश्याम खान इज साइनिंग आउट। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में वापस से, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।